नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसीवी में। और हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर मैट्रिक्स। हमने दो क्लासों में नंबर मैट्रिक्स पर बात कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हमने सारे के सारे टाइप कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन साथ मिल गया करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 8162524 01। ठीक है, 3 5 7 2 7 1 2 5 3 4 3 1 0 5 क्वेश्चन मार्क 2 7 3 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। चेक करो क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, कीजिए। अब आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तो चलो करते हैं साथ मिलके। क्या हो रहा है इसमें देखो, 81 3 27 105। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे होगा सोल्व, ऐसे होगा दोस्तों, ये ऐसे होगा सोल्व, ऐसे नहीं होगा। तो क्या है इसमें देखो, इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक है देखो, 27 माइनस 3 कितना हो गया, 24 प्लस 81 कितना हो गया, 105। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आया 105। फर्स्ट रो क्लियर वेरीफाई हुआ 105। अब चलते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो को देखते हैं। सेम है जो लग रहा है हमारा मेथड, लगता है इसमें भी तो हमारा बीच वाले में भी यही लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, 3 4 3 माइनस 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 4 3 में से 7 माइनस करेंगे 13 13 में से 7 गए कितना बचा, 6 3 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचा 3 3 6, 7 माइनस करेंगे। अब 2 4 0 1 में ऐड करेंगे इसको तो 6 और 1 7, 3 और 0 3 ही होगा, और 4 और 3 7 और 2 का 2, ये हमारा, तो ये आ चुका है हमारा 2737। ये भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ जो बीच वाले से निकलेगा। बीच वाले में क्या है, 125 माइनस 5। ठीक है, माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 120 120 120 में फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 7 7 4 5 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, 7 4 5 हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखो, बीच के दो नंबर है उनको किया गया माइनस, बीच के दो नंबरों को किया गया माइनस, फिर फर्स्ट नंबर में उसे ऐड कर दिया गया तो आया हमारा फोर्थ नंबर। ठीक है, सेम इसमें किया हमने, बीच के दो नंबरों को किया हमने माइनस, फिर फर्स्ट नंबर में ऐड किया तो हमारा आंसर आया 7 4 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 25 17 6। ठीक है, ये है, और 38 18 8। ठीक है दोस्तों, इसको आप बना सकते हैं, ये हमारी बन गई भाई, डाइस बन गया, पतंग बन गई, क्या बनी, बट क्वेश्चन कीजिए निकालना क्या हमें, 8 9 1 6
क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन में, 25, 17, 6, 38, 18, 8, 89, 16 क्वेश्चन मार्क। तो बताओ यहां क्या आएगा नीचे वाली डाइस में। तो करते हैं, डाइस नहीं है वैसे, ये वैसे मैंने डाइस बना दी, सर्कल था ये, तो ठीक है करते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें देखो, 25 प्लस 17 कितना हो गया दोस्तों, यहां लेते हैं 25 प्लस 17 कितना हुआ दोस्तों, 7 और 5 साथ मिलके बोलेंगे, 7 और 5 12, एक ऊपर गया हासिल कैरी 2, 1, 3 और एक कैरी गया कितना 4, 42 आया हमारा, अपर आना क्या है 6, तो 6 की हम 42 से डिवाइड कराए तो क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा, ठीक है दोस्तों 7 आएगा, 7 से ऊपर के जो दो नंबर है ऐड करके 7 से डिवाइड करा है तो हमारा नीचे का नंबर आ रहा है, कहने का मतलब ठीक है। सेकंड में ट्राई करते हैं, यही है क्या, 38 प्लस 18 8 और 8, 16, 16 वन कैरी 3, 4 और कैरी 5, 56 और 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा 7 आया था, या 8 से ही करेंगे, बट हमें पता चल गया क्वेश्चन में कि इन ऊपर के दो नंबरों को ऐड करके 7 से डिवाइड किया जा रहा है तभी हमारा नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो फिर दो ऊपर के ऐड किए हमने, अब 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7, 8 जा 56 होता है तो 8 आ गया हमारा दोस्तों, तो हमारा क्या 80 है, ठीक है सेकंड बॉक्स में भी। अब चलते हैं हमने आंसर की तरफ, ठीक है घबराना नहीं है, 89 प्लस 16 कितना होगा, 89 प्लस 16 कितना होगा दोस्तों, यहां करते हैं 89 प्लस 16 कितना हुआ, 9 एंड 6, 15 कैरी 1, 8, 9, 10, 105 हमारा आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15, 7 इसको 5 होते हैं बट टेबल याद नहीं हो तो इसको डिवाइड करो, 7 में 7 ठीक है, 3 बचा 10 में से 7 गए, अब 5 ऊपर से नीचे आया तो कितना आता डिवाइड, 7, 5 जा 35 ठीक है, ये है हमारा आंसर। और आपको टेबल याद होते तो 15, 7 जा 105 होता है, आपका आंसर आ जाता है, हमारा आंसर आया कितना 15 ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे दो क्वेश्चन, अभी रफ करते हैं, चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या आज का हमारा, लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है क्या है थर्ड क्वेश्चन, 3, 6, 8, 5, 8, 4, 4, 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों 3, 6, 8, 5, 8, 4, 4, 7 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या आएगा, ठीक है चलो करते हैं साथ मिलके। पहले ऐसे चेक करो कोई बन रहा है लॉजिक, 5 और 4 9, 9 3 का स्क्वायर होता है ठीक है, 7 और 8 15, 15 से 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ऐसे देखते हैं ऐड करके, 5 और 4 9, 3 12, 8 और 6 14 नहीं बन रहा, अब ऐसे चेक करते हैं रोको, 8 और 6 14 प्लस 3 कितना आया 17, ऐड करें तो इनको ऊपर वाली रो को ठीक है 17, ऐड करने से भी हो सकता है ठीक है दोस्तों, और बीच वाली को ऐड करें 8 और 4 12, 12 और 5 17 लॉजिक दोनों रो का सम 17 है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड का भी सम 17 बनाना है हमें, 17 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 और 4 कितना होता है 11,
अब 11 को इधर लेके आएंगे हम, माइनस करेंगे 17 में से, तो कितना आएगा 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा 6 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था, बस सम करना था, रोका 17 सम आ रहा है, यहाँ पे कितना था 7 और 4 11 और यहाँ 17 लाना था, तो 11 में ऐसे क्या जोड़े जो 17 बन जाए, तो 17 में से हमने 11 को माइनस कर दिया, 6 आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, आसान था वैसे बहुत। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, फोर्थ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 2 4 6 सर्कल, ये हमने बना दिया, सन की किरणें बना दी हमने, और किरणें हैं 7 8 9 5 4 3, ये सन की किरणें हैं, ठीक है, और दूसरा सन बनाते हैं साथ में, ये लो, और इसकी भी किरणें बनाते हैं दोस्तों, ये दूसरे सन की किरणें क्या है 8 6 3 और ये क्या है 2 4 1, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड सन की तरफ, थर्ड सन में क्या है, बस उसकी किरणें दी है, सन का नाम बताना हमें 9 1 5 3 6 4, यहां पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यहां है क्वेश्चन मार्क, तो कीजिए कैसे हुआ ये, सन को हमने क्या नाम देना थर्ड सन को, ये बताना है, दो सनों का नाम दे रखा है, थर्ड सन का आपको नाम बताना है, तो थर्ड फर्स्ट सन का जो नाम है वो कैसे आया, देखो 7 8 9 और 5 4 3, इनसे इनकी जो वो है मतलब सन की जो किरणें हैं उससे क्या बना है कि बीच में सन का नाम है। तो दोस्तों मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे हम इसको डायरेक्ट माइनस करें, 9 में से 3 गए कितना आया 6, 8 में से 4 गए कितना आया 4, 7 में से 5 गए कितना आया 2, तो इन दोनों को ऊपर वाले डिजिट्स को नीचे वाले डिजिट से हम माइनस करते हैं तो बीच वाले सन का नाम आ रहा है हमारा। सेकंड में देखते हैं, माइनस करने पर 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 2 गए 6, बीच वाले सन का नाम क्या है 622 और हमारा भी क्या है 622। अब चलते हैं थर्ड सन का जिसका हमें नाम बताना है, क्या नाम बनेगा इसका देखते हैं। 5 में से 4 गए 1 और 1 में से 6 गए, भाई 1 में से 6 तो घट नहीं सकते, तो 1 क्या करेगा अपने जो आगे है 9 से वो एक कैरी ले लेगा, तो 11 में से 6 गए कितना बचा 5, इसके पास कितने बचे 8, 8 में से 3 गए कितना बचा 5, 551 हमारे सन का नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ऊपर वाली 3 डिजिट को नीचे वाली 3 डिजिट से माइनस किया और सन का नाम हमें पता चल गया, ये इसमें किया 915 में से 364 को माइनस किया, तो 551 हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन आज का। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वही अपना 13। ठीक है, इस बार 4 किरणें बनाइए भाई, 5 7 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 5 9 4 3 8। ठीक है, दो सन ये आ गए हमारे, थर्ड सन को लेते हैं हम यहां, जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क बाहर क्या है इसके, 8 है एक तरफ, क्या है 4 है एक तरफ, क्या है 9 है और एक तरफ क्या है 3 है, क्या ठीक है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देखो क्या करेक्ट का, फिफ्थ क्वेश्चन में 3 सन दिए, फिर से मून मान लो, इस बार सन मून मान लेते, चलो मून दिए, ये मून की किरणें,
मून की किरणें तो वैसे कम ही होती है, बट फिर भी देखो रात को उजाला तो करता ही है, ठीक है। क्या है 7, 5, 4, 3, 13, 8, 9, 4, 3, 5, तो इसका बताना है क्या है नाम, ठीक है दोस्तों। कैसे करना है देखो, ट्राई करते हैं। क्या गया इसमें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 7, 4 जा 28, ठीक है, 28, 28, 5, 3 जा 15, 28 में से 15 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा 13 आएगा हमारा, ठीक है, मून का नाम आ गया। चलो लिख के करते हैं, आपको समझ ना आए और लिख तो लिख के चलते हैं, ठीक है, लिख के लेते हैं। फर्स्ट सन का हम सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट सन का क्या है, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15, 15 कितना होता है 15, 15 को हम 28 में से माइनस करेंगे तो कितना आता है 13 आता है, तो 13 ही हमारा नाम है फर्स्ट मून का। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, 8 × 4, ठीक है दोस्तों, हमारे पास स्पेस कम है तो हम नीचे ले रहे हैं, 8 × 4 = 4 कितना होता है 32, ठीक है, 9 × 3 कितना होता है, 9 × 3 कितना होता है 27, और अब 32 में से 27 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 ही हमारा सेकंड मून का नाम है, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं अपने थर्ड मून की तरफ, 9, 4 जा कितना होता है दोस्तों, 9, 4 जा 36, और 8, 3 जा कितना होता है 24। अब करना क्या है, 36 में से 24 को अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस कीजिए, यहां पर 6 है यहां पर 6 है तो 12 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों, हमारे थर्ड मून का नाम क्या आएगा 12, ठीक है दोस्तों, 12 हमारे थर्ड मून का नाम आ गया। ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार फिर से देखो, सामने वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15, 28 में से 15 गए कितना बचा 13 बचा, ठीक है, सेकंड में क्या है 8 × 4 = 32, 32, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 32 में से 27 घटाएंगे तो हमारा क्या है 5, ठीक है, तो 5 हुआ, तो हमारे दोनों मून वेरीफाइड हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड, जो हमारा आंसर निकालना था, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 8 × 3 = 24, ठीक है, अब 36 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12, ठीक है, और हमारा आंसर भी क्या है 12, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ करते हैं, अभी मिलते हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना आज का सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, चलो साथ मिलकर करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 8, 8, 7, 7 क्वेश्चन मार्क, 5, 6, 3, 2, 3, 7, 7, 3, 3, 1, 3, 2, ये हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ। चलो साथ मिलके करते हैं दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं, दिख रहा है बड़ी डिजिट आ रही है नीचे, तो ऐसे सोल्व किया गया है, ये ऐसे ना किया गया है, ठीक है, सॉरी ऐसे ना किया गया है, ऐसे किया गया है, ठीक है, मैं कहने जा रहा था ये, तो कैसे होगा ये 8, 8, 8, 8, तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन से करके देखते हैं, क्योंकि काफी बड़ी डिजिट है तो मल्टीप्लीकेशन से होगा शायद, देखते हैं, 8, 8 जा 8, 8 जा कितना होता है 64 होता है, ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 8, 8 कितना होगा,
तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, साथ मिलके करेंगे, ठीक है। इसको नीचे लिख लो, ठीक है, क्या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 8 4 जा 7 मिलके, 8 4 जा 32, 32 का 2 3 ऊपर कैरी, ठीक है। फिर वही 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड करेंगे कितना है 35, ठीक है। 8 6 जा या 6 8 जा कितना होता है आपको पता है, 48 होता है, 4 कैरी। फिर वही 8 6 जा कितना होता है 48, 48 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना आता है 52 आता है, तो 52 लेंगे दोस्तों और इसे हम ऐड कर देंगे, 8 और 5 13 कैरी 1, 3 और 2 5 प्लस 1 कैरी का 6 और ये 5, ये हमारा आया 5 6 3 2, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, फर्स्ट रो का लार्जेस्ट डिजिट वेरीफाई हो चुकी है मल्टीप्लीकेशन से। सेकंड वाली को देखते हैं वेरीफाइड होगा या नहीं होगा, 7 7 जा 49, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, 7 7 जा 49 होता है तो 77 की 49 से मल्टीप्लाई करानी है बस हमें, तो 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 9 जा कितना होता है दोस्तों 63 होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, 63 3 6 कैरी गया, फिर 7 9 जा 63, 63 में हम 6 जोड़ेंगे तो 69 आता है, ठीक है, 69, फिर 7 4 जा 28, 28 का 8 2 कैरी गया, फिर 7 4 जा 28 जमा कैरी कितना था 2, जमा करेंगे था 30, ठीक है, ये आया हमारा 30। अब ऐड करेंगे इनको 8 8 16 प्लस 1, 8 8 16 प्लस 1 कितना 17, ठीक है, यहाँ आया 17, 1 1 कैरी, 7 3 3 7 7 3 हमारा हुआ वेरीफाइड, ठीक है। अब लेते हैं अपने आंसर की तरफ, आंसर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, 6 6 जा कितना होता है 36, और यहां पर ऐसी कौन सी डिजिट आए कि जिससे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये संख्या आए, ठीक है, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करे क्वेश्चन मार्क को और इज इक्वल टू में आए 3 1 3 2, ठीक है, हमारे कहने का यही मतलब है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो हमें चाहिए क्या ये, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई है तो वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन मार्क 3 1 3 2 को 36 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो संख्या आएगी वही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा और वही हमारा आज का आंसर हुआ 6 क्वेश्चन का। तो चलो डिवाइड करते हैं साथ मिलके, 2 से काट सकते हैं सबसे पहले, आपको जिस चीज का टेबल आता हो उससे काटे जरूरी है, बट कैलकुलेशन ऐसी करो कि तेज हो, बट हम आप छोटे से छोटा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी और दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले कॉन्स्टेबल के उसके लिए तैयारी करें, तो हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे भाई, जीरो से करेंगे सारी चीजें। तो पहले लेते हैं 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 1 बचा 6 उतारा तो 2 8 जा 16, यहाँ क्या बचा 18, ठीक है। अब ऊपर भी 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा 1 उतारा, 2 5 जा 10, 1 बचा 3 उतारा, 2 6 जा 12, 1 बचा फिर 2 उतारा, 2 6 जा 12, ये आया। फिर दोबारा 2 से काट सकते हैं, 2 9 जा और यहाँ पर 2 7 जा 14, 1 बचा कितना 6 उतारा, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, क्या है 7 8 3 और 9। अब मेरे ख्याल से 9 का टेबल तो सभी को आता होगा मेरे प्रिय साथियों, 18 को चलो आपको नहीं आता, 9 का तो आता होगा, तो 9 से सीधा काटेंगे, 9 8 जा कितना होता है 72, 9 8 जा कितना होता है 72, 72 में 78 में से 72 को घटाएंगे कितना बचेगा 6 6, ठीक है, यहाँ तो अपना 8 आएगा, ठीक है, 6 बचा, 6 में से मतलब 6 बचा तो बचा क्या हमारे पास 3 को नीचे उतारेंगे 63, ठीक है, 7 9 जा 63 होता है तो क्या आएगा हमारा 87, ठीक है, 7 टाइम पे जाएगा 9 की टेबल में जब 63 आएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा 87, यहाँ आएगा हमारा 87 आंसर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन थी इसमें, बट आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी है कि ये सब लिखना ना पड़े इतना, बस आप चुटकियों में सोल्व कर सको, ठीक है। क्या था 8 8 जा 64, 64 को 88 से मल्टीप्लाई करें, हमारा ये आया
सेम इसमें 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, 13 मल्टीप्लाई 12 6 5 1 ठीक है, 4 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 4 8 नेक्स्ट है 2 4 मल्टीप्लाई 2 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप फटाफट करके दिखाओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, बताओ करके दिखाओ इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताओ कैसे आया 13 मल्टीप्लाई 12 6 5 1। आप चाहे 13 का स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई करो, 6 5 1 लेके आओ कैसे आएगा, मुझे ये जानना है कि 6 5 1 आएगा कैसे, आप मुझे बताओ, करो कोशिश। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है दोस्तों, 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 169 और 144 की एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, 651 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर से भूल जाओ। ठीक है, क्यूब से करेंगे, क्यूब्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, 13 की क्यूब्स बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर 12 की क्यूब बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें लाना कितना 651। तो क्या लग रहा है दोस्तों, चलो करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके हम ही साथ मिलकर करते हैं। फर्स्ट रो से लेते हैं, फर्स्ट 1312 मतलब 13 12, कुछ नहीं किया गया है, नंबर को रिवर्स कर दिया गया है, इसको 13 को 31 लिख दिया गया है और 12 को 21 लिख दिया गया है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 2 3 2 जा 6 कितना आया 6 5 1 वेरीफाई हुआ हमारा। कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, सच्ची बताओ कमेंट करके कैसा लगा, रिवर्स करके मल्टीप्लीकेशन की है, रिवर्स किया है 13 को 31 हो गया, 12 को रिवर्स किया 21 हो गया, फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 651। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें क्या है, 41 को रिवर्स करेंगे कितना आएगा 14, ठीक है कितना आएगा 14, 23 को रिवर्स करेंगे कितना आएगा 32, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए मल्टीप्लाई, 4 दुनी 8, 4 तीय 12, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8 4 4 488 हमारा सेकंड भी वेरीफाई हो गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक ठोक दो, ठीक है लाइक ठोक दो सारे के सारे इसी बात पर, इस क्वेश्चन के बात पर सारे के सारे लाइक ठोको। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ, 24 को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 42, और 22 को चाहे रिवर्स करो चाहे ऐसे लिखो तो 22 का 2 ही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 जा 4, 42 जा 8, 22 जा 4, 42 जा 8, क्या आंसर आया 4, 8 चार 12, एक कैरी गया कितना आया 9, 924 हमारा आंसर, 924 हमारा आंसर दोस्तों, लाइक ठोक दो जल्दी से जल्दी, 924 गए हमारे लाइक ठोक दो दोस्तों। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का टाइम चाहिए मुझे रफ करने के लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारा, 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं दोस्तों हम आज के, और 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे चलेंगे साथ मिलकर, 5 6 9 20 4 8 3 15 ठीक है 9 9 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क पूछे इस बार, क्वेश्चन मार्क 8 7 22। लो जी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 क्वेश्चन मार्क मैंने जानबूझ के लगाए, वैसे क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन मार्क था बट हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, मेथड सेम है, डरना नहीं है, चलो करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, 5 6 9 20 ठीक है, 4 8 3 15 9 9 7 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क 8 7 22 बताइए क्या आएगा, चलो करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, 5 6 11 11 9 20 ठीक है,
आठ चार बारह, बारह तीन पंद्रह, देख लो मैंने बोला था बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें रो को ऐड करना है, हमें रो को ऐड करना है। तो नाइन नाइन कितना होता है, नाइन नाइन एटीन, नो और नो अठारह, अठारह में हम सात जोड़ेंगे कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, 25, सिर्फ और सिर्फ एडिशन था इसमें। अब नेक्स्ट आप बता सकते हो कि कितना आएगा, मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक यहाँ है ये ऐड करना है, ये ऐड है, सात और सात चौदह और एक पंद्रह, ठीक है, आठ और सात पंद्रह होते हैं, ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन ईजी करनी है, सात और सात चौदह प्लस एक फिफ्टीन, ठीक है, या आपको ज़्यादा ही फास्ट करनी है तो सबको पता होना चाहिए, आठ और सात पंद्रह होते हैं, ठीक है, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह बाईस में से पंद्रह गए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इजल टू में है, इधर प्लस में, इधर जाएगा कितना, माइनस में हो जाएगा, कितना होता फिफ्टीन, इधर आगे फिफ्टीन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बाईस में से पंद्रह गए कितना, सात, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, सात, सेवन आंसर, सेवन और ट्वेंटी फाइव हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, लाइक हो ग्रो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आते हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, चुन चुन के लाया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये है भाई साहब फाइव फाइव, ठीक है, जीरो सेवन थ्री सिक्सटी फोर, ठीक है, यहां पे एट इलेवन थर्टी सिक्स, यहां पे एट टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको पूरा फिगर बनाऊं तो ये बनेगी हमारी कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों, अब समझ आ रहा है क्या किया है, ये भी सर्कल है वो भी सर्कल है, सर्कल बनाने की मुझे आई थिंक जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन, फाइव फाइव जीरो एट इलेवन थर्टी सिक्स टू एट क्वेश्चन मार्क सेवन थ्री सिक्सटी फोर, सोल्व कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, साथ मिलकर सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की भी, क्या कर रहा है इसमें, मोटा मोटा देखे, सात और तीन, सात तीन इक्कीस, इक्कीस का चौसठ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सात और तीन दस, दस का चौसठ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो कर क्या रहा है, सात और तीन, सात में से हम तीन घटाएं, चलो करते हैं साथ मिलके, सेवन में से थ्री गए कितना आया फोर, सात में से तीन गए चार, चार को इन्होंने टू से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आता है, चार दुनी आठ आता है, फिर कुछ नहीं किया है इन्होंने, आठ का सिक्सटी फोर से क्या रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का रिलेशन है, एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर, आई थिंक आप समझ चुके होंगे, सेवन माइनस थ्री फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया है या उसका दुगना किया गया है, चार का दुगना होता है आठ, आठ का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर, लेट मी चेक अदर टू देन विल अप्लाई अपने आंसर, ठीक है, ग्यारह में से आठ गए, ठीक है दोस्तों, कितना बचा, तीन, तीन का दुगना करेंगे क्या होगा, छः, छः का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, थर्टी सिक्स, वेरीफाई हुआ अपना, ठीक है, अब चलते हैं उसकी तरफ तो चलना ही नहीं है, फाइव में से फाइव गए जीरो, जीरो का दुगना करेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, ठीक है, अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ, आठ में से टू गए कितना बचा सिक्स, सिक्स का दुगना करेंगे कितना आया ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर करेंगे सभी बच्चे बोलेंगे वन फोर फोर हमारा आंसर, वन फोर फोर हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है घबराना नहीं है, फिर से देखते हैं, सात में से तीन गए चार, चार का दुगना किया फिर दुगना करके उसका स्क्वायर कर दिया, सेम आठ में से दो गए, आठ में से दो गए छः, छः का दुगना किया बारह, बारह का स्क्वायर सभी को याद होगा वन फोर फोर होता है, ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए लाया हूं चुन चुन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, चलते हैं साथ मिल के, एट फोर वन इक्वल टू थ्री सिक्स, थ्री थ्री इक्वल टू फाइव, फोर टू फाइव इक्वल टू सेवन, तो टू वन सेवन इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। चलो 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 सारे के सारे मिलके क्वेश्चन करेंगे, कीजिए कैसे होगा। चलो चलो सारे करो भाई। 8 4 1 3 8 12 प्लस 1 13 ठीक है, 13 का 3 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 4 32 32 से कम 32 32 का 3 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन में, सोचो सोचो थोड़ा क्या बन सकता है इसमें। देखो क्या बन रहा है इसमें, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉरी 8 4 लो जी 8 4 8 4 8 को 4 से डिवाइड किया गया, क्या है हमारा 2 बचा गया, 1 को ऐड किया गया कितना हुआ 3। आई थिंक हमें वेरीफाई करने के लिए दोनों को चेक करना पड़ेगा, जो बच्चे हैं अपने दो उनको भी चेक करते हैं, तभी हम अपने आंसर पर अप्लाई करेंगे। 6 3 6 / 3 डिवाइड करेंगे कितना आया 2, क्या बचा 3, 3 को ऐड करेंगे 2 में तो क्या आएगा 5 आएगा। आई थिंक अपना सेकंड भी वेरीफाई हो चुका है, अब थर्ड को वेरीफाई करते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 को 5 में ऐड करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो सीधा का सीधा हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ, आंसर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा दोस्तों, 2 ही आएगा या कुछ और आएगा वो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। 2 प्लस 7 कितना होगा 9, 9 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों 9 हमारा आंसर। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट टू डिजिट को डिवाइड किया गया, थर्ड में ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये हमारा 9 आंसर निकल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे बिल्कुल आप 2 सेकंड दीजिए, रफ करता हूँ फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 11th में क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों, हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, आज गाड़ी रुकेगी नहीं, आज चाहे कितनी लंबी क्लास हो जाए हम आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते चलेंगे साथ मिलके, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप बस 7 बनाए रखें, 5 6 12 4 3 4 2 3 6 ठीक है, 18 27 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे यहाँ, मेरे दोस्तों मेरे मित्रों सारे दोस्तों साथ मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो क्या है क्वेश्चन, 5 6 12 4 3 4 2 3 6 18 27 क्वेश्चन मार्क। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है थोड़ा थोड़ा, इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क कहीं और लगा दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ था बट मैंने यहाँ कर दिया। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे होगा चेक करो, ये ऐसे होगा या ऐसे होगा दोस्तों, आपको दिख रहा है नीचे लार्जेस्ट आ रहा है तो ऐसे होगा, ठीक है तो करो कैसे होगा। 5 और 4 9 9 × 2 18 ठीक है वेरीफाई। 6 और 3 कितना होता है 9 9 × 3 27 वेरीफाई हो चुकी दोनों लाइनें। चलो सॉल्यूशन बताते हैं कैसे वेरीफाई किया हमने, 6 5 + 4 9 ठीक है इनको ऐड किया 9 आया, 9 की मल्टीप्लीकेशन कराइए 2 के साथ तो हमारा क्या आया 18। समझे आप क्या हुआ है, फर्स्ट टू डिजिट को ऐड किया गया है फिर थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे 4 डिजिट आई है, ठीक है जो हमारा आंसर आएगा। चेक किया सेकंड में 6 + 3 9 9 × 3 27 वेरीफाई हुआ हमारा सेकंड रो भी। अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ, ठीक है दोस्तों 4 + 12 कितना होता है 16 16 को हम 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 = 96 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आया 96 ठीक है। टेबल याद कीजिए आप, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ हर क्लास में बोलता हूँ दोस्तों, कैलकुलेशन तेज करनी है तो टेबल याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, बस आप मुझे 30 तक स्क्वायर याद कर दीजिए और
15 तक क्यूब कर दो, उसके बाद मैं आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट कराता हूँ आप देखना। 100 तक के स्क्वायर आप सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में निकाल सकते हो कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन लेते हैं, 12 क्वेश्चन में क्या है हमारा, 12 क्वेश्चन लेते हैं इधर, ठीक है दोस्तों। 12 क्वेश्चन में क्या है हमारा भाई, 5 7 4 3 9, ठीक है, 6 9 5 5 9, ठीक है, ये आया हमारा, और 7 11 क्वेश्चन मार्क, 83, ठीक है। आई थिंक इंक खत्म हो गई है दोस्तों इसकी, कोई नहीं हम ओरल करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, आपको आई थिंक साफ नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल के बताता हूँ, इंक थोड़ी डाउन हो चुकी है मार्केट की, बताते हैं। 5 7 4 39 5 7 4 39 6 9 5 59 6 9 5 59, लास्ट रो में 7 11 क्वेश्चन मार्क 83, क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क निकालते आ रहे हैं, तो निकालो कैसे निकलेगा, इस वे में निकलेगा, इस वे में निकलेगा, चेक कीजिए कैसे निकलेगा, आप बताओ कैसे निकलेगा, आई थिंक ऐसे निकलेगा, तो करो जैसा उसमें हुआ, क्या पता इसमें भी लग रहा हो, प्लस करके गुणा कर रहे हो या प्लस करके डिवाइड कर रहे हो, तो चेक कर लो एक बार। 7 5 जा 35 35 प्लस 4 39, आई थिंक आप पकड़ चुके होंगे। अब बस क्वेश्चन का मोटा मोटा हिसाब रखो, देखो क्यूब से स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा डिजिट हो तो स्क्वायर और क्यूब या मल्टीप्लाई, ठीक है, मीडियम हो जैसे इसमें मीडियम है 3 डिजिट का तो मल्टीप्लाई प्लस ऐड किया हो, ठीक है, प्लस और माइनस के आपको मैंने दिखा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन कि वो रो ही प्लस होती है, पूरा जो सम आएगा रो का वही सारी सम हो, मतलब सभी रो का वही सम आना चाहिए, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन की तरफ, क्या है, 5 7 जा 35 35 प्लस 4 39, वेरीफाई हुआ हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो 6 मल्टीप्लाइंग 9 कितना होता है दोस्तों, 54 में हमने 5 को ऐड किया तो थर्ड डिजिट उसे ऐड किया तो 59 हमारा आया, तो वेरीफाई हुई सेकंड रो भी। अब कुछ नहीं करना है हमें, थर्ड रो में अपना आंसर निकालना है, 7 मल्टीप्लाई 11, सभी को पता है कितना आता है, 77, ठीक है। अब 77 में क्या ऐड करें हम जो हमारा 83 आएगा, तो कुछ नहीं करना है, 73 को उधर से उठा के 83 के नीचे लेके आना है हमें और माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बताएंगे, 83 में 77 गए कितना बचेगा, 6 बचेगा, छक्का मार देंगे भाई, धोनी ने छक्का मार दिया, जिता दिया मैं, ठीक है, 6 आंसर हमारा, ठीक है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएंगे आज बहुत सारे तो आप बस देखते जाए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे आज धड़ाधड़, 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों, लंबी क्लास चली जाए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बट लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 13 क्वेश्चन, या और कराएं या आप कमेंट कीजिए, मैट्रिक्स पे इतने क्वेश्चन हमें अभी घंटों पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स पे इतने क्वेश्चन हमारे पास 40-50 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, बहुत क्वेश्चन है, बट अभी चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं आप पे डिपेंड करते हैं, आप इंटरेस्टेड हो गए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में CGL के CPO के 2022 के 23 के सॉरी 23 के कह रहा हूँ 23 में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं हमारे जून से पहले पहले उनके, ठीक है, और CHSL के MTS के सभी के मैट्रिक्स क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, आपने कमेंट किया तो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, 13 क्वेश्चन में क्या है, 8 14 15 13 18 20 2 25 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 41, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन,
और लास्ट तो नहीं है अभी, क्वेश्चन तो हमारे पास कितने हैं आई थिंक, ये देखो मैट्रिक्स के आपको क्वेश्चन दिख रहे हो तो मैंने लगा रखे हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे मैट्रिक्स के हैं, बहुत क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स के, अभी बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप साथ बनाए रखो, आप मुझे कमेंट कीजिए तो आपके लिए बहुत सारी क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी हमारे चंडीगढ़ पुलिस, जो भी हमारा दोस्त या हमारी बहन भरना चाहते हैं, चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल के फॉर्म अप्लाई कीजिए, और रीजनिंग में मैं आपसे वादा करता हूँ आपके आई थिंक 35 नंबर की रीजनिंग आएगी चंडीगढ़ पुलिस में, 35 में से 35 स्कोर कर सकोगे आप मेरे साथ पढ़ोगे तो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको 35 में से 35 दिला देंगे। रही दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की बात, सितंबर में भर्ती आ रही है दोस्तों, ठीक है, उसकी भी मैं बैच बनाऊँ अलग से या इसी में लेके चलूँ रीजनिंग, आप रीजनिंग पढ़ो साथ, आपके दिल्ली पुलिस में भी जितने की आएगी इस बार, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, आई थिंक पिछली बार वाला ही हुआ तो 25 नंबर आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, 50 नंबर की अपनी जीके होती है, 25 की अपनी रीजनिंग, 15 की अपनी मैथ और 10 का कंप्यूटर, भाई 25 में से 25 नहीं आए ना किसी भी कैंडिडेट के, तो भाई मैं बता दूंगा, छोड़ दूंगा मैं रीजनिंग पढ़ाना, भाई रीजनिंग में 25 में से 25, चंडीगढ़ पुलिस में भी 35 में से 35, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, लास्ट क्वेश्चन है देखो, फिर क्लास खत्म करते हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं इसमें देखो, 40 निकालना भाई, ठीक है, 15 का 8 का क्या, 15 8 120 120 का 14 से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो कुछ प्लस माइनस किया होगा, चलो चेक करते हैं, चेक, 15 में से 8 गए, क्या बचा दोस्तों, 15 में से 8 गए, आई थिंक 7 बचेगा, 7 का 2 के साथ, 7 का 14 के साथ कोई रिलेशन है, 7 2 14 ही होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, तो 7 2 14, अब वेरीफाई करो सेकंड रो से, सेकंड रो को चेक करो, वेरीफाई होता है तो हमारा लॉजिक यही लगेगा, ठीक है दोस्तों, तो वेरीफाई कीजिए आप, 22 में से 13 को हम माइनस करेंगे, 22 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्रिय साथियों, बताइए, आप सभी बताओ, 22 में से 13 माइनस करेंगे 9 बचेगा, ठीक है, 9 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 वेरीफाई हुआ, 14 वेरीफाई हुआ, अब कुछ करने हैं हमें इस क्वेश्चन में, कुछ बचा है तो क्या बचा है, 41 में से 25 को माइनस कीजिए और जो हमारा आएगा, सॉरी जो हमारा बचेगा माइनस कीजिए, चलो माइनस करो, 11 में से 5 गए, कितना बचा, 6, कैरी दिया था 3 बचा, 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1, ठीक है, 16 का दुगना करेंगे तो कितना आता है, 16 दुनी 32 हमारा आंसर दोस्तों, 32 हमारा आंसर, एक बार फिर से देखिए, 15 माइनस 8 कितना है, 7 7 2 14, 22 माइनस 13 कितना है, 9 9 2 18, 41 माइनस 25 कितना है, 16 16 2 32, ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के नंबर मैट्रिक्स के क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन किए दोस्तों ने, 13 के 13 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन मेथड्स को अपने माइंड में रखें और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है दोस्तों, और हमारी मैट्रिक्स पे नंबर मैट्रिक्स पे 3 क्लास हो चुकी है, फर्स्ट क्लास में हम आपको मैंने बेसिस बताए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड क्लास में कुछ बचे थे वो बताए थे और थोड़े क्वेश्चन लिए थे, आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किए दोस्तों, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए, अभी क्वेश्चन बहुत है, आप चाहो तो मुझे कमेंट करो तो मैं नेक्स्ट क्लास और लेके आता हूँ इस पे, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आए हो, क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, लाइक करते हो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि क्या कमी रह रही है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, सब बताओ मुझे, और नेक्स्ट क्लास किस पे बनानी है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है, कमेंट करो, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा शेयर करना दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के लिए जिसको पूरे पूरे नंबर लेने हैं रीजनिंग में, देखो जरूर, ठीक है, आखिरी में ये कहूँ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।